हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल मोटर जोन पे, और मैं हूं आपका साथी संजय स्वामी। और आज हम करने वाले हैं ओनर रिव्यू हुंडई वेन्यू SX का, जो अभी 400-500 किलोमीटर चली है। ब्रांड न्यू गाड़ी है, 10 दिन पुरानी है। तो आपको इसकी पूरी डिटेल बताएंगे, कैसा रहा यूज़र का एक्सपीरियंस, परचेज क्यों की, इसके यही क्यों उठा के लाए, और भी ऑप्शन थे, तो ये सब चीज़ें जानेंगे। तो आइए सर। सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो सर आप हमें पहले ये बताइए, आपका शुभ नाम और आप क्या करते हो? मेरा नाम बजरंग गोस्वामी है, मैं जय समिति में जॉब करता हूँ। तो सर ये गाड़ी आपको कितने दिनों के लिए है? ये मेरे को अप्रोक्सीमेट 10-11 दिन हो गए। तो अभी तक आपने कितनी चला ली इसको? यही कोई 500 के आसपास। 500 के आसपास। तो सर आपने यही गाड़ी क्यों लेके आए? तो सर सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये कौन सा वेरियंट है और कौन से ऑप्शन के साथ है, मतलब पेट्रोल है या डीजल है, ये चीज़ बताइए। मैं ये वेन्यू टर्बो SX पेट्रोल वर्जन है। तो सर आप यही क्यों लेके आए इस वेरिएंट के अंदर? आपको और भी ऑप्शन थे, जैसे ब्रिजा है, नेक्सॉन है, किया की हमारी सोनेट भी आती है, वो भी इस वेरिएंट के अंदर है। वैसे तो सब गाड़ियाँ अपने अपने सेगमेंट की द बेस्ट गाड़ियाँ हैं, पर जैसे मेरे को हुंडई बहुत पसंद है और सेफ्टी फीचर इसके मेरे को ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बॉडी वाइज ये थोड़ी सी ज़्यादा मजबूत गाड़ी है। हाँ, और इसका एवरेज भी कुछ माइलेज कह सकते हैं अपन, ठीक है, अच्छा है। कितना माइलेज दे देती है आपको ये? ये पेट्रोल में 15 किलोमीटर के आसपास दे देती है। अभी तो ब्रांड न्यू है, आगे बताते हैं कि सर्विस के बाद थोड़ा बहुत। अच्छा, सिटी के अंदर ये 15 के आसपास दे देती है। हाँ, सिटी के आसपास। तो टर्बो सिटी के अंदर 15 दे रही है, तो बहुत अच्छा माइलेज है, मतलब इस सेगमेंट में। अभी तो अच्छा कह सकते हैं इस सेगमेंट में, जो नई गाड़ी आती है वो 8-10 के आसपास माइलेज देती है। हाँ बिल्कुल, अभी ये अच्छा दे रही है। तो सर ये आपको कितने की पड़ी टोटल ऑन रोड? ये ऑन रोड मेरे को 11,60,000 रुपये की पड़ी है। 11,60,000 की पड़ी है। और सर इसका हुंडई के साथ आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? हुंडई के साथ एक्सपीरियंस मेरा अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसके सेफ्टी फीचर अच्छे हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया। कंफर्ट वाइज ये बहुत ज़्यादा कंफर्ट है। लुक वाइज मेरे को इसका लुक बहुत शानदार लगा, जैसे इसके कंपेयर में बहुत सी गाड़ियाँ हैं, जैसे आप बता रहे थे टाटा नेक्सॉन है, मारुति विटारा ब्रेजा है, किया सोनेट है, बहुत सी गाड़ियाँ हैं। लेकिन जैसे कि किसी को पसंद आ जाता है, वैसे मैं उनकी वो नहीं कर सकता, लेकिन ये लुक वाइज मेरे को बहुत अच्छी लगी। ओके, तो सर आपकी ये फर्स्ट गाड़ी है, इससे पहले भी आपके पास कोई और गाड़ी थी? नहीं, ये मेरी फोर्थ गाड़ी है। फोर्थ गाड़ी। इससे पहले आपने कौन कौन सी गाड़ी चलाई है? इससे पहले मैंने सबसे पहले बोलेरो SLX, वो है मेरे पास 4-5 साल से। अच्छा। उसके बाद मैंने मारुति सलेरियो, यानी मारुति का भी मैं कस्टमर हूँ। अच्छा, उसको भी मैंने अच्छे से कंज्यूम किया है, 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास उसको चलाया। और अभी मैंने लगभग 8-10 महीने पहले मारुति का एक गाड़ी और लिया है, अर्टिगा, इस टूर एम मॉडल है उसका। ओके। वो भी मैंने लगभग 30-40 हज़ार किलोमीटर के आसपास चला रखी है। तो उनसे इनका कोई डिफरेंस, मतलब चलाने में और आपको कैसा फील हो रहा है वेन्यू चलाने के बाद में, या फिर हम सेलेरियो या फिर बोलेरो? बोलेरो तो एक अलग ही सेगमेंट की गाड़ी है। वो दोनों जैसे मेरे पास गाड़ियाँ हैं, वो तीनों चारों अलग अलग सेगमेंट की है। तो मैं इसको इसके सेगमेंट में बेस्ट मानता हूँ। बेस्ट है इस सेगमेंट में बिल्कुल। और कंफर्ट वगैरह इसका? कंफर्ट वगैरह बहुत शानदार है इसका। और इसका सस्पेंशन वगैरह आपने चलाई होगी तो कैसा फील हो रहा है? अभी तक तो देखो ब्रांड न्यू है तो द बेस्ट ही कहेंगे, वो तो लॉन्ग रन पे पता चलता है। और इसके अंदर कोई अभी तक आपको वाइब्रेशन या फिर कोई इंजन के नॉइस वगैरह कोई फील नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं। और कहीं कोई मतलब अनवांटेड नॉइस वगैरह कुछ भी ऐसा सच नहीं आ रहा है? बिल्कुल ठीक है। चलो तो सर आप ये बताइए, अगर हमें लेनी हो किसी को भी, आप क्या ये गाड़ी आज के टाइम में रिकमेंडेड करोगे, क्योंकि आपकी भी 10 दिन पुरानी है, तो आप किसी को अगर इस सेगमेंट में गाड़ी लेना चाहे तो आप रिकमेंडेड करोगे? बिल्कुल, मैं इस बजट में और इस सेगमेंट में इस गाड़ी को बिल्कुल प्रेफर करूँगा। मुझे सब कहीं भी फील नहीं हुआ कि इस गाड़ी में कोई कमी है, जो मेरे को चाहिए था वो इसमें अवेलेबल है। तो सर अभी तो आपकी गाड़ी नई है तो और ज़्यादा तो कुछ हम इसके बारे में पूछ नहीं सकते, बट डेफिनेटली आपका अगर 5-10 हज़ार किलोमीटर चला लोगे तो एक नया रिव्यू और देंगे हम। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा आज का ओनरशिप रिव्यू। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।